नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में फर्जी पायलट के खुलासे के बाद न केवल पाकिस्तान में हड़कंप मचा है बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर एक्शन भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों यूरोपियन देशों ने पीआईए की उड़ानों पर रोक लगाकर बड़ा कदम उठाया है। आज अमेरिका ने भी पीआईए के विमानों की अमेरिका में एंट्री बैन कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में फर्जी पायलट पर एक साल पहले ही बड़ा खुलासा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स चैनल पर भी दिखाई थी, मगर इमरान सरकार ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पर पिछले महीने कराची में विमान क्रैश की घटना के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। आज हम आपके सामने एक साल पुरानी उसी रिपोर्ट को रख रहे हैं, जिसे दिन न्यूज चैनल के सौजन्य से इस चैनल पर प्रसारित किया गया था। आइए देखते हैं पाकिस्तान में फर्जी पायलट के खुलासे की यह रिपोर्ट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और दीगर एयरलाइंस में पायलट्स की जाली डिग्री केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई। चीफ जस्टिस ने कॉन्ट्रैक्ट पर पायलट्स भर्ती करने की इजाजत देते हुए डिग्रियों की तस्दीक का अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने पीआईए और दीगर एयरलाइंस में पायलट्स की जाली डिग्री केस की समाप्त की। समाप्त के दौरान सिविल एविएशन की जानिब से अबूरी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि 7 पायलट्स की डिग्रियां जाली पाई गई हैं, जबकि 5 मैट्रिक और अंडर मैट्रिक हैं। पीएई ने अदालत को बताया कि पायलट्स कैबिन क्रू की 4321 डिग्रियों की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि 438 डिग्रियों की तस्दीक का अमल जारी है। नुमाइंदा पीआईए ने बताया कि रिकॉर्ड फराहम ना करने वाले 50 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। दौरान समाप्त जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि मैट्रिक से कम तो बस भी नहीं चला सकता, यहाँ जहाज उड़ाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए को कॉन्ट्रैक्ट पायलट्स भर्ती करने की इजाजत देते हुए पायलट्स के लाइसेंस की मुकम्मल तफसीलात भी तलब कर दी, जबकि डिग्रियों की तस्दीक का अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म जारी किया है।